पुलवामा में सेना के ऑपरेशन में दो आतंकी ढेर, आतंकी संगठन अल बदर से था, दोनों का ताल्लुक, AK-47 राइफल भी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सीमा पार पाकिस्तान से लाते थे गोला बारूद। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिला IED विस्फोटक, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। यूपी के रायबरेली में परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो वायरल, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान हुई घटना, वीडियो के आधार पर मामले की जांच जारी है। ओडिशा में शादी समारोह में सांप के साथ नाच करने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा गया, कोबरा सांप के साथ कर रहे थे नाच, वन्य कानून के तहत कार्रवाई हुई। बिहार के हाजीपुर में कच्ची बस्ती में भीषण आग लगी, घर में रखे सिलेंडर फटे, 45 से ज्यादा घर जले, 13 साल की लड़की की जलकर मौत हो गई, दर्जनों मवेशी भी आग में जल गए हैं, शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई आग। यूपी के बागपत में मास्क ना लगाने के विवाद में पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड में मारपीट हो गई, बैंक के अंदर होमगार्ड ने कांस्टेबल को मास्क पहनने को कहा था, मारपीट के बाद आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान, मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया, इसका मतलब है सावधान रहें। पहाड़ों पर इस बार ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान है, शिमला में 1 मई को मौसम बदलने पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के जालौर में पानी की भारी किल्लत, गांवों में नहीं मिल रहा पीने का पानी, प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। ABP News आपको रखे आगे।